फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा। जहां अतिथि शिक्षकों के लिए यहां पर संकट खड़ा हो सकता है। बता दें, समय समय पर प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के नए नए आदेश जारी किए जाते हैं। चाहे वह अतिथि शिक्षक किसी भी पद पर काम कर रहा हो, वर्ग एक, वर्ग दो, वर्ग तीन पर। बता दें, मध्य प्रदेश में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा संपन्न हुई थी, उसमें अतिथि शिक्षकों को आरक्षण का लाभ देने के उद्देश्य से अनुभव बन रहे हैं, उसी को लेकर यह आदेश दिया गया है। यहां पर संतानों के लेकर शपथ पत्र वगैरह मंगाए गए हैं। तो चलिए, यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी अब तक का महत्वपूर्ण आदेश दिखा देते हैं। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला गुना मध्य प्रदेश की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। यहाँ पर तारीख देख सकते हैं, लेटेस्ट है। समस्त संकुल प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिला गुना के अंतर्गत, हालांकि प्रदेश के जो अलग अलग जिले हैं वहाँ पर नियम सेम रहेंगे। विषय है अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण पत्र जनरेट करने के संबंध में। यहाँ पर संदर्भ भी दिया गया है जो पिछला आदेश आया था उसका, यहाँ पर देख सकते हैं। उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा अतिथि शिक्षक के ऑनलाइन अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। शासन आदेशानुसार कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्त के लिए पात्र नहीं होगा। अतिथि शिक्षकों को अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के पूर्व संबंधित से इस संबंध में शपथ पत्र प्राप्त करें कि उसकी दो से अधिक जीवित संतान में से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 के बाद तो नहीं हुआ। उपरोक्त दस्तावेज के साथ ही अतिथि शिक्षकों के सत्यापन उपरांत ही दस्तावेज इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। यह भी निर्देशित किया जाता है कि संकुल प्राचार इस आशय का लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करें कि अनुभव प्रमाण पत्र के लिए प्रस्तुत प्रकरण में उपरोक्त शासनादेशों का पालन किया गया है। तो यहाँ पर सीधी तौर पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अतिथि शिक्षक अगर अनुभव बनवा रहा है तो उसकी दो से अधिक संतानें नहीं होना चाहिए, अगर है भी तो शासन को उसका जानकारी वहाँ पर देना है। जिला शिक्षा अधिकारी जिला गुना मध्य प्रदेश की तरफ से, और यहाँ पर लेटेस्ट तारीख है और भेजा गया है आयुक्त महोदय लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल, कलेक्टर महोदय जिला गुना और संयुक्त संचालक महोदय लोक शिक्षण संभाग ग्वालियर जिला शिक्षा अधिकारी गुना की तरफ से। तो महत्वपूर्ण आदेश से आपसे निवेदन है, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें और आगे की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का चित्र जरूर दबाएँ। धन्यवाद।